हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो क्यूब का रिपोर्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब, इसका जो रिपोर्ट है गाइस, इसको कैसे बनाए। ठीक है गाइस, तो मेन महत्वपूर्ण यही होता है गाइस कि अपन जो 7 डेज और 20 डेज का जो रिपोर्ट बनाते हैं गाइस, तो उसमें अपन ऐसी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, और बाद में जब क्लाइंट को पता चलता है तो फिर वो बताता है कि तुम ये गलत किए, वो गलत किए। तो सबसे पहले जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। ठीक है गाइस, तो जैसे हम अभी आपको 7 डेज का बताते हैं, ठीक है, या फिर 20 डेज। ठीक है गाइस, 20 डेज का बता देता हूँ, क्योंकि दोनों का बताऊँगा तो फिर ज़्यादा अपना टाइम लगेगा। तो 20 डेज का गाइस क्या करना है, जैसे जो डेट में है, पहले तो जो लोकेशन है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ जो लोकेशन होता है वो लिखना होता है गाइस। फिर अपना पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, LVOP थर्ड लिफ्ट। ठीक है गाइस, ये लिख दिया डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पे डेट ऑफ कास्टिंग लिख लिया, मान लो 1/06/24। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 और OPC, जो सीमेंट चलता है वो यहाँ लिखना है टाइप। और एरिया ऑफ क्यूब MM² लिखा है गाइस, 22.5 नहीं लिखना है यहाँ पे। MM² कैसे आएगा, 150 × 150 करोगे तो 22,500 आएगा। ठीक है गाइस, 150 × 150 22,500 यहाँ नोट करेंगे MM². ठीक है गाइस, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है सीरियल नंबर। ठीक है गाइस, तो सीरियल नंबर में आप क्या, जैसे 1, 2, 3 भी डाल सकते हो। अगर यहाँ क्यूब नंबर होता, अगर 20 डेज का बनाएंगे तो यहाँ से 4, 5, 6 लिखना होता, अगर 20 डेज है तो। और यहाँ पे अगर क्यूब नंबर है, तो अगर सीरियल नंबर है तो आप 1, 2, 3 भी डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी जैसे अपना 20 डेज का कर रहे हैं, तो अपन 4, 5, 6 डालना चाहिए, क्योंकि 3 क्यूब तो अपन टेस्ट कर चुके हैं। अभी अपना ये सीरियल नंबर है, तो यहाँ से अपन 4, 5, 6 ऐसे भी डाल सकते हैं, और 1, 2, 3 भी डाल सकते हैं, क्योंकि 3 क्यूब अपन 7 डेज में टेस्ट कर लेते हैं। अब गाइस बारी आती है वेट ऑफ क्यूब, इसका जो क्यूब का वेट होता है वो कैसे डिसाइड करें। तो गाइस, अपन जो डिज़ाइन करते हैं उस टाइम जो अपना कंक्रीट का वेट आता है गाइस, उसके आसपास अपन को रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे M35 का जो वेट आ रहा है गाइस, वो आ रहा है 8540 8490 8590। हमारा जो डिज़ाइन में आ रहा है उस डिज़ाइन के आसपास ही वेट रखना है। ठीक है गाइस, फिर बारी आती है यहाँ पे जैसे डेज, तो यहाँ 20 डेज कर रहे हैं तो 20 डेज यहाँ नोट करना है। फिर जैसे यहाँ पे 1 है गाइस, ठीक है, तो 1+28 करेंगे तो 29 तारीख को अपना ये आएगा। उसके बाद लोड इन केन, ये कैसे निकालते हैं देखो, जैसे एक LC है अपना। अभी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है गाइस, कि अपना जो ग्रेड है उसका +3 करके अपन को रिपोर्ट बनाना है मिनिमम में। ठीक है, ऐसा मॉर्थ में लिखा है 5th रिवीजन में, सेक्शन 1700 में आप देखोगे, वहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लिखा रहता है, उसमें आपका दिख जाएगा कि 3+ करना है। ठीक है गाइस, तो जैसे 35 है तो इसका 38 बनाना है, 38 × 22.5 इसलिए करते हैं गाइस क्योंकि शॉर्ट हो जाता है। और अगर अपन ऐसे करना है तो फिर 38 × 1000 करना पड़ेगा, नहीं नहीं 38 × 22,500 करना पड़ेगा अपन को, तो ये फिर ये आ गया, फिर इसमें भाग 1000 करना पड़ेगा, फिर अपना 855 आएगा, ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए अपन डायरेक्ट 38 × 22.5 करके 855 निकाल लेते हैं, मतलब 855 मिनिमम है। ठीक है गाइस, इससे कम नहीं बनाना है। उसके बाद क्या होता है कि अपन जैसे 855 है, तो यहाँ से अपन सीरियल वाइज 860 870 880 ऐसे नहीं लिखना है। इसका जो क्यूब का डिफरेंस दिया है गाइस, मतलब जो टॉलरेंस है, वो अपना टॉलरेंस कम से कम, मतलब मैक्सिमम 15% है, उसके अंदर टॉलरेंस में रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो अपन को टॉलरेंस के हिसाब से बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 900 ले लेंगे, यहाँ पे 866 ले लेंगे, और फिर यहाँ पे 800
87 ले लेंगे। फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट करेंगे क्या गाइस, जैसे 900 है इंटू 1000 करना पड़ेगा, ये आ गया, फिर डिवाइड बाई 22500 करना पड़ेगा, फिर अपना 40 आ रहा है। इसीलिए अपन क्या करते हैं 900 डिवाइड बाई 22.5, ठीक है। लेकिन मेन फार्मूला ये वाला है, जो इसको आता है इसको एक इंटू 1000 करके भाग 22500 में देना है, ठीक है। जैसे यहाँ 40 आ गया, 40 एमपी अपन नोट करेंगे। यहाँ पे बारिश हो रहा है गाइस आज बहुत तेज, फिर यहाँ पे ये वाला नोट करेंगे 38.49 888 7, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, कम से कम मिनिमम इतना आपको दिखाना है टॉलरेंस में। कुछ लोग होता है वो 0-0 टॉलरेंस पे बना देते हैं, और फिर टॉलरेंस कैसे चेक करेंगे आप, जैसे 40 प्लस 38.49 प्लस 39.42 भाग 3, तो ये एवरेज आ गया अपना 39.30। न्यूटन पर mm², ठीक है गाइस। अभी हम आपको बताते हैं कि इसका जो टॉलरेंस कैसे चेक करें, ठीक है गाइस। तो जैसे अपना टॉलरेंस चेक करना है कि प्लस में है माइनस में है, तो जैसे ये 40 है ये 39 है, तो अपना ये प्लस में हो गया, ठीक है। जैसे 38 है तो अपन क्या करेंगे, 39.3 माइनस 38.49 ये आ गया, डिवाइड बाई 39.30, फिर परसेंटेज लगाएंगे तो ये 2% अपना टॉलरेंस है माइनस में, फिर इसको निकालेंगे तो भी ऐसे निकालेंगे, फिर माइनस प्लस का ध्यान रखना, फिर अपना डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है गाइस। 8540 डिवाइड बाई 3375 इसका वॉल्यूम है, 2.530 8490 2.516 8590 2.545, ठीक है गाइस। ये रिपोर्ट अपना बन गया। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। जैसे अपना 7 डेज में डिजाइन में, मान लो अपना डिजाइन में अपना 47 चाहिए अपन को टारगेट, इसका ये आ गया 35 की जगह अपना 38 आ गया मान लो 7 डेज में, ठीक है, डिजाइन के टाइम। और 20 डेज में अपना आ गया मान लो 50 माइनस 38, तो 12 का डिफरेंट आ रहा है, तो अपना इसमें भी 12 का डिफरेंट उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कैसे, जैसे 39.30 है इसको माइनस करेंगे 7 डेज, अपना कितना रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे 75% बनाते हैं, ठीक है, तो 38 × 75% 28.5, तो मान लो 39.30 माइनस 12 करेंगे तो 27.30 से अपन को ये रिपोर्ट कम नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि फिर 12 से ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, तो 12 MPa से ज़्यादा अपन अगर अपना डिजाइन में नहीं बढ़ाए तो वो फिर अपना रेगुलर कंक्रीट में 12 MPa से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए अपन को उसी हिसाब से डिजाइन के आसपास में रिपोर्ट बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं।